वेलकम टू यूनी स्पेस क्लासेस। मैं मायातीत कुमार आज मैं बीपीएससी मेंस स्पेशल सीरीज में वीडियो लेके आया हूँ और हम लोग देखेंगे कि इनकमिंग 64th बीपीएससी जो 2019 का है, मई के थर्ड वीक में ऐसा पर्पज है कि हो जाएगा स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है। इसमें देखते हैं हम लोग सिलेबस और पैटर्न 64th मेंस 2019 का। इसमें चार पेपर होते हैं मेंस में। पहला पेपर है जनरल हिंदी, दूसरा जनरल स्टडीज़ का, दो पार्ट होते हैं, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, और लास्ट पेपर होता है फोर्थ पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का। जनरल हिंदी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है बीपीएससी मेंस में। जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट होता है 300 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज़ पेपर टू होता है भी 300 मार्क्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 300 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में लोग अपने रुचि यानी अपने इंटरेस्ट के अनुसार से ऑप्शनल लिया करते हैं। टोटल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ 1000 है, लेकिन मैं 900 क्यों लिखा हूँ, तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जनरल हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और बाकी ये जो तीनों मार्क है इसका मार्क्स मेंस में जुटता है, और यही इसी से आपको इंटरव्यू कॉल होंगे, और इंटरव्यू जो है 150 मार्क्स का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आते हैं और क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या उसका पैटर्न है। अब देख, मैं पहले ही बता दिया था दोस्तों आप लोगों को कि जनरल हिंदी जो है दैट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। अब मैं देखता बताता हूँ, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो है वो 300 मार्क्स है, और जनरल स्टडीज़ 1 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इन विच देर आर 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आ रहा है आपका फर्स्ट पार्ट। सेक्शन 1 में भी एक अलग पार्ट, तीन पार्ट में होते हैं। फर्स्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग, और थर्ड हुआ हिस्ट्री। और फिर सेक्शन 2 में आता है आईआर। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि सिलेबस में दिया हुआ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसका सेकेंड पार्ट होता है वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर रिलेटेड होता है इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। और थर्ड हुआ सेक्शन, थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, ये सब आते हैं। मैथ्स रिलीज, यहाँ पे आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं एग्जाम में। अब मैं बातें करता हूँ कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको करना होता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन 1 जो है इसमें 63rd जो मेंस हुआ है अभी जस्ट हुआ है इसी मंथ के 12 से 17 के बीच में था। इसमें मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 1 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होते हैं, जिस जो 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इस 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में से आपको 6 में से 3 देना है, और तीनों क्वेश्चन का जो मार्क्स का है, मार्क्स है वो इक्वल होता है 38 38 38 मार्क्स का। तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 38 मार्क्स का होता है इच क्वेश्चन। सेकेंड सेक्शन में जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी 6 में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और सारे क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं। और आप जो सेक्शन 3 देख रहे हैं ये मैथ से रिलेटेड होता है, लेकिन ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट पहले आप इसी सेक्शन को स्टार्ट करें। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो 2 क्वेश्चन इच क्वेश्चन होते हैं 36 मार्क्स का। और हम अब देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2 सिमिलर है जनरल स्टडीज पेपर 1 की तरह। इसमें भी 3 सेक्शन है जैसा कि मैंने जनरल स्टडीज पेपर 1 में बताया था। जनरल स्टडीज का सेक्शन 1 है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और जनरल स्टडीज का सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 2 हो गया इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 जनरल स्टडीज पेपर 2 का होता है द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं बताता हूँ कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया से आते हैं। इंडियन पॉलिटी में मतलब इंडिया का पॉलिटी, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडियन पॉलिटी में का जो क्वेश्चन होगा वो बिहार से रिलेटेड होगा। जैसे आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का क्वेश्चन आ गया तो आपको बिहार से भी कुछ कुछ आंसर देने होंगे, जैसे इंडिया बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स, जैसे आप देख रहे होंगे बिहार का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कास्ट बेसिस बन रहे हैं, दलित हैं, महादलित हैं, ये सब हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी में उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में इसमें मिला हुआ था, जैसे गुड गवर्नेंस हुआ, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बिहार में जो जो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, जो जो एक्ट बने हुए हैं करप्शन को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, तो उस सब का आपको
देना होगा, जिक्र करना होगा, मेंशन करना होगा आपको आंसर में। अब मैं बता रहा हूँ इंडियन पॉलिटी सेक्शन जो हुआ जनरल स्टडीज 2 में, उसमें कितने क्वेश्चन से आपको कितने करने होते हैं, जो 63 के अनुसार जो लेटेस्ट हुआ उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। 63 में जो है 4 क्वेश्चन आपका आया को दिए हुए थे सेक्शन 1 में, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता और प्रत्येक क्वेश्चन जो था 38 मार्क्स का था। तो 38 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से आंसर करना पड़ेगा। अब सेक्शन 2 जो हुआ, सेक्शन 2 में इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी वो लोग 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 में से आउट ऑफ 4 यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चन और इच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स ऑफ 38। तो इस तरह से हुआ 38 मार्क्स का आपको मिला के मैं बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन आपको 38 मार्क्स का और अब जो बचा है 72 मार्क्स, ये आपको सेक्शन 3 जो हुआ इसमें साइंस टेक जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है बिहार इंडिया में और बिहार में भी कुछ कुछ साइंस का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए नया नया हाइड्रोलॉजिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसमें से वो 4 क्वेश्चन देते हैं और 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट से 300 नंबर के आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मैं ऑप्शनल के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, आज मैं जनरल स्टडीज स्पेशल बनाया हुआ तो आज मैं जनरल स्टडीज पे ही बात करूंगा। यदि ऑप्शनल के लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपना एडवाइस दीजिएगा, राय दीजिएगा। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो सेक्शन 1 का जो सॉरी जनरल स्टडीज 1 का जो सेक्शन 1 पार्ट था उसके बारे में, सेक्शन 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। अब देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर आपका आते हैं 2 सेक्शन, जो तीन सेक्शन आ रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में। तो मैं सेक्शन 1 के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेक्शन 1 में ये सब है आर्ट एंड कल्चर हुआ, पेंटिंग ऑफ बिहार, जैसे हम लोग जानते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट बिहार से ही है, तो बिहार का बहुत ज़्यादा रिच आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग ये सब है। तो मैं हम बता रहा हूँ आपको आर्ट का, बिहार आर्ट में बिहार का आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट वो हुआ जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, जैसे हुआ केव हुआ, टेम्पल हुआ, ये सब। और परफॉर्मिंग आर्ट जिसको कि परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि डांस हो गया, ड्रामा हो गया, सॉन्ग हो गया, फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, इस तरह से। तो अब हम लोग बताते हैं कि क्या क्या होता है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। विजुअल आर्ट जो बिहार में है स्पेशली, तो वहाँ पे हम लोग मौर्यन आर्ट से स्टार्ट होता है। मौर्यन आर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार मीन्स जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मान के चलिए कि बिहार मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग में से किसी न कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो मौर्यन आर्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका 2 पार्ट होता है, एक कोट आर्ट और एक फोर्क आर्ट। कोट आर्ट हुआ जो कि किंग और जो उस टाइम का था उसके पेट्रोनेज में जो जो बनाया गया वो हुआ कोट आर्ट, और फोर्क आर्ट हुआ जिस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। सिमिलरली मौर्य के बाद गुप्ता आर्ट होता आता है, फिर पाल आर्ट, ये सब आप बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट। पाल आर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकमिंग 64th मेंस के लिए, क्योंकि जो 60 से 62 हुआ था और 63rd जो हुआ था उसमें मौर्य आर्ट पूछा गया था, जबकि अभी जो लेटेस्ट हुआ उसमें पटना कलाम पेंटिंग इसको पूछा गया है। और नेक्स्ट आता है मुगल आर्किटेक्चर, मुगल का आर्किटेक्चर जो बिहार में बनाया गया हुआ है। अगला आता है पेंटिंग। पेंटिंग बिहार के 3-4 पेंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग हुआ, मधुबनी पेंटिंग तो आप लोग यूपीएससी में भी पढ़ते होंगे, मंजूषा पेंटिंग हुआ, पटना कलाम पेंटिंग हुआ। पटना कलाम पेंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा, राजसभा टीवी से आया हुआ है, एक मैंने देखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट, टिकुली आर्ट और वुड एंड कार्विंग। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आता है, जैसे फोक सॉन्ग ऑफ बिहार हुआ, फोक ऑफ सॉन्ग ऑफ बिहार में आया है सोहर, निर्गुण, बिरहा, विदेशिया, होरी, कजरी, ये सब। होरी हुआ, होरी जो होली के टाइम किया जाता है, निर्गुण जो कि सॉन्ग गाया जाता है जिसमें आपको किस बिना बिना किसी देवी देवताओं के सेब के बिना उस सॉन्ग गाया जाता है।
निर्गुण, जिसमें इस तरह से हुआ सोहर, बिरहा। अगला है फोक डांस ऑफ बिहार। फोक डांस ऑफ बिहार में जाट, जटिन, झुमरी, कठघोरवा डांस, जोगीरा। तो नेक्स्ट है ड्रामा। परफॉर्मिंग आर्ट में ड्रामा आता है। लैंग्वेज इन बिहार, लैंग्वेज बिहार में आएगा अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिंदी, उर्दू, जो हो। और लिटरेचर, ये आप लोग जानते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री का बहुत सारा लिटरेचर का जो मेन सोर्स है बिहार से, बिहार के बहुत मेन फेमस लिटरेचर हुए हैं, जैसे लाइक कालिदास हुए इस तरह से, और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं वहाँ के विद्वानों ने। अर्थशास्त्र जो कि फेमस है पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ कामसूत्रा, बादशायन का, कादम्बरी, बाणभट्ट का, इस तरह से बहुत फेमस फेमस लिटरेचर बिहार का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस्टिवल एंड फेयर्स इन बिहार के बारे में देखते हैं, तो छठ पूजा तो वहाँ का स्टेट फेस्टिवल कहा जाता है। रामनवमी हुआ जो कि अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो जान रहे हैं कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। सोनपुर फेयर जो कि सबसे बड़ा लाइव स्टॉक फेयर है एशिया का। और नेक्स्ट है बांसी फेयर जो कि बांका ज़िले में आता है नेक्स्ट है। और तो इस तरह से दोस्तों ये था आज का वीडियो, था वीडियो आज का जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया बिहार मेंस स्पेशल पैटर्न सिलेबस के बारे में, और कि थोड़ा सा हम लोगों ने जनरल स्टडीज पेपर वन का सेक्शन वन का एक पार्ट भी डिस्कस कर लिया हूँ थोड़ा छोटे में ही सही। हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। और यदि कोई आपको सुझाव देना है, एडवाइस देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।